अरे औरतों को, मोहम्मद साहब की वाइफ बिजनेसमैन है, खादिजा बेगम सिर्फ बीवी के रूप में ही क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि तो तुमने उसे बीवी का मतलब ही मान लिया सिर्फ एंजॉयमेंट। तो हनुमान राम के साथ रह के भगवान और तुम हनुमान के साथ रह के भिखमंगा। सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसको नहीं पीना है। तुम्हारी दोस्ती कानपुर के सांसद से है और तुम भीख मांग रहे हो कि सुबह शाम तुम सांसद के घर में बैठते हो। अरे तुमको एक ठेका दे देगा किसी भी डिपार्टमेंट का, तो भी साल में 50 लाख रुपए कमा लोगे। पार्टी पे नहीं चलोगे, स्विफ्ट पे तो चलोगे। तो हनुमान राम के साथ रह के भगवान और तुम हनुमान के साथ रह के भिखमंगा। उसकी वजह यह है कि तुम हनुमान जी को रैशनली समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी इज अ सिंबल ऑफ मेडिटेशन। ध्यान किस पे है? राम पे। राम मतलब कॉन्शियस। उस चीज ने उनको भगवान बना दिया। अब जब तुम स्कूल जाते थे, बैच लगाते थे ना, टाई होती थी, टाई में स्कूल का बैच होता था, बेल्ट होती थी, बेल्ट में स्कूल का बैच होता था। तो ये सब क्या थे? रिमाइंडर्स। यहां जितने स्कूल कानपुर में होंगे सबका अपना अपना बैच होगा। तो हिंदू ये जो तिलक लगाता है ये रिमाइंडर है कि इस आंख को खोलना है। जो चीजें ये आंख नहीं देख पाती वो आंख ये आंख देखती है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसको नहीं पीना है। अरे औरतों को, मोहम्मद साहब की वाइफ बिजनेसमैन है, खादिजा बेगम मोहम्मद साहब की जो पहली वाइफ है, इंडस्ट कैपिटलिस्ट है, वो रिच ट्रेडर है। आज तो मुसलमानों ने पहना दिया कि औरतें बाहर नहीं जाएंगी, तुम्हें नहीं पता। हाँ, अब उनकी जो वाइफ है बेगम आयशा, सारी हदीस उन्होंने लिखी, इतनी पढ़ी लिखी थी, 3/4 हदीस उन्होंने। तुम्हारा कोई मुसलमान दोस्त हो उससे पूछना। औरतें युद्ध में जाती थी, मुसलमान औरतें कमांडर बन के। आज जाना जामा मस्जिद, वहां अगर डीजीपी मुसलमान आएगा और रिक्शा वाला मुसलमान आएगा और रिक्शा वाला पहले खड़ा हो गया तो उसको डीजीपी पीछे नहीं कर सकता, वो आगे ही खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा। तो इस देश का मुसलमान ये सब भूल गया। मॉडर्न इकोनॉमी बेस्ड ऑन रैशनलिज्म। ये जो वर्ड मॉडर्न है ना, तुम देख पढ़ते हो, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न एजुकेशन, ये सब किस पे बेस्ड है? रैशनलिज्म पे। कि तुम जो भी जानते हो वो किस पे जानते हो? साइंटिफिक एविडेंसेस पे। दिस रैशनलिज्म गेव प्रमोशन टू सेंस ऑफ इंक्वायरी। जानना है और जानना है, सब कुछ जानना है। जितने लोग हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं वो कमजोर हैं। तो हनुमान जी का पुजारी महावीर हो जाएगा। हनुमान जी राम के साथ रह के भगवान बन गए, तो तुम हनुमान जी के साथ रह के क्यों कमजोर हो? यहां तो कब्जे का नियम चलता है ना। तो तुम पढ़ो हारून के बारे में, आज लिख लो नाम, कैलिफ हारून। बगदाद की सड़कों पे लड़कियां बिजनेस करती थी, औरतें। आज तो कार चलाने को तरस रही सऊदी अरेबिया में। सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां सिखों में हैं। कौन सी भागी जा रही है? देखो इल्तुतमिश को, 13वीं शताब्दी में अपनी बेटी को राजा बना रहा, तभी तो स्लेव से सुल्तान बना। मुसलमान नहीं है वो, पहले वो एक समझदार आदमी है। सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही उनकी औरतें, पंजाबियों को देखो, उनकी लड़कियां बिजनेस कर रही हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रही हैं, अकेले लंदन अमेरिका टहल रही हैं। दुनिया के सारे धर्मों ने औरतों को बहुत उच्च स्थान दिया सबने, लेकिन औरतों को आजादी कभी नहीं मिली। किसी औरत को बिना शादी किए बच्चा हो जाता था ना इस पीरियड में, हार डालते थे, कुंती को डर के मारे अपने बेटे को छोड़ना पड़ा। लेकिन आज टीना गुप्ता अनमैरिड मदर है बॉलीवुड में, ये किसकी देन है? मॉडर्न वर्ल्ड की। तो ये तुम्हें सोचना है कि तुमको आजादी क्यों मिली। दुनिया के सारे धर्म दो काम करते हैं, एक आंख बंद करके पूजा करते हैं और एक सजदा करते हैं। सारे का उद्देश्य यही है कि आंख बंद करने पे ही आंख खुलती है, और सजदा करने का मतलब ये है कि प्रभु मदद कर दे। तो रिलीजन में बुराई नहीं है, तुम अपने रिलीजन को रैशनल तरीके से देख ही नहीं पाए। कॉपरनिकस, कैपलर, गैलीलियो, न्यूटन। कॉपरनिकस क्या कहता है? हेवनली बॉडीज हैव मोशन। पर उसने अपनी रिसर्च को डिस्क्लोज नहीं किया जब तक वो जिंदा था। मर गया तो किया कि डेड बॉडी को निकाल के जलवाया पोप ने। कैपलर ने भी जब तक जिंदा था कुछ नहीं कहा। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का सहारा लिया लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हेवनली बॉडीज हैव मोशन। देश नवरात्रि मनाती है और आपको कितनी इज्जत देती है, कितनी वुमन को इज्जत दी इस देश ने नवरात्रि मनाकर, आदिशक्ति। लेकिन देश के लोग उसको समझ ही नहीं पाए। क्रिएटर है वो, बच्चा को जन्म देती है। और इस देश में 90% लोगों के लिए आज भी औरत मतलब एंजॉयमेंट। और जब तुम किसी को भोगने की कोशिश करोगे तो पलटकर वो तुमको नहीं भोगेगा,
कब तुम चिल्लाओगे? क्या वाइफ हमारी भैया बहुत परेशान कर रही, तुम्हारी वजह से। बहने तो नहीं करती परेशान, माँ तो नहीं परेशान करती। अगर औरत में प्रॉब्लम होती तो माँ के रूप में भी तो परेशान करती, बहन के रूप में भी तो परेशान करती। सिर्फ बीवी के रूप में ही क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि तुमने उसे बीवी का मतलब ही मान लिया सिर्फ एंजॉयमेंट। ये कश्मीरी है, अब इनको जाना है हिंदुस्तान छोड़ के। अब लड़की को जब भागना ही है तो रिक्शे वाले के साथ काहे भाग रही हो? वो भी जो गांजा पी रहा है, नशेड़ी है, ड्रग्स ले रहा है, स्मैक ले रहा है, उसके साथ तुम भाग रही हो। वो गाना गा रही हो प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। जब तुम्हें भागना ही है चाइना के साथ भाग जाओ। पढ़ा लिखा लड़का है, ताकतवर है, BMW ऑडी रोल्स रॉयस रखे हुए है, इसीलिए कश्मीरियों पे गुस्सा आती है ना। तुम्हारे साथ नहीं रहे ठीक मत रहो। किसके साथ जा रहे हो? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कश्मीरी नाराज हो जाता है। कश्मीरी को गुस्सा बहुत है बहुत सही आदमी कश्मीरी, तुम जाओ कभी कश्मीर, पर उसको गुस्सा बहुत, तुरंत सांस खींचता है ऊपर अपनी। और ये यूपी बिहार वाले उसको चिढ़ाते हैं, कश्मीर हमारा है। तेरे पापा बैनामा कराए थे? नहीं बैनामा तो नहीं कराए थे, लेकिन हमारा है, कब्जा करें। जैसे हम पड़ोसी मकान कब्जा किया है, इसे हम कब्जा करें। हिंदुस्तान का मुसलमान जातिवाद मानता है, कहता ये अंसारी है जुल्हा, हम सैयद हैं ब्राह्मण। हमारे एक दोस्त है इलाहाबाद में, कहते हम सैयद हैं मुसलमान है, सैयद ब्राह्मण है मुसलमान हो गए। हमने कहा तब शुक्ला टाइटल लगा लो, सलमान शुक्ला, शाहरुख पांडे, आमिर तिवारी, हमको भी तो पता चले कि तुम ब्राह्मण हो। इस्लाम ये सब कहां मानता है? ये आज के मुसलमानों को तुम मत देखो, मरे हुए हैं, इनको मत देखो, इन्होंने ही अपने धर्म का नाम खराब कर रखा। वो पाकिस्तान बनाया इस्लामिक मुल्क, अमेरिका ने बनाया एप्पल, चाइना ने बनाया वन प्लस, इंडिया ने बनाया लावा, पाकिस्तान ने कहा हम बम बना के इन सारे मोबाइल में लगाएंगे, हम दगाएंगे पूरी दुनिया में। अब चूंकि मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे, तो बेइज्जती किसकी होगी? इस्लाम की होगी। इसलिए जो भी कहता पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, इसीलिए तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। यूरोप की सोसाइटी, अमेरिका की सोसाइटी में बड़ी सारी औरतें नहीं करती शादी, नहीं करना। हिंदुस्तान में शादी होती है, उसको बहू थोड़ी चाहिए होती, उनको आया चाहिए होती है। खुद भले कभी 4 बजे उठकर चाय ना पिए, शादी होगी तो सास को 4 बजे चाय चाहिए। पहले कभी पी हो? तो जैसे पहले पीती थी वैसे अब बना लो, पर या ऐसे कर्म करो कि वो खुद ही लाके तुमको 4 बजे दे जाए। अब वो लड़की जो DM है उससे तुम कहोगे कि चाय नहीं बनाओगे मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, कोई चढ़ा जाएगा रास्ते में। जब सब्जी लेने जाओगी तो ये तुम्हें सोचना है कि ये तुम्हें आजादी क्यों मिली।